पेड़ पौधों को कभी तुमने किसी से ईर्ष्या करते देखा है? ये तो योगी की तरह है, किसी से कोई आशा नहीं है, सबको देते ही देते हैं, किसी को छाया, किसी को फूल और किसी को फल देते हैं। ईर्ष्या एक आग है जो ईर्ष्या करने वाले को ही जलाती रहती है। जो दूसरों का यशगान या उन्नति देखकर चलते रहते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि मालिक ने ये दुनिया किसी एक के लिए नहीं बनाई है। यहां चींटियां भी रहती हैं, हाथी भी, जानवर भी, इंसान भी, पक्षी भी। यहां मालिक का बंदा भी रहता है और मालिक से ईर्ष्या करने वाला भी रहता है। यहां हर किसी के लिए जगह है, फिर ईर्ष्या क्यों? आशा इंसान के लिए प्राणवायु के समान है। आशा पर ही तो इंसान जीता है। आज बुरा हुआ कोई बात नहीं, कल अच्छा होगा, यही आशा हर इंसान को जीने की प्रेरणा देती है। इंसान की जिंदगी में चाहे कितना भी बुरा हादसा हो, उस हादसे से उभर कर बाहर आने की कोशिश इंसान करता रहता है, क्योंकि उसके मन के किसी कोने में छिपी हुई आशा उसे विश्वास दिलाती है कि इस हादसे पर तुम जीत हासिल कर सकते हो। आशा क्या है? श्रद्धा का ही दूसरा रूप है आशा, विश्वास का एक नाम है आशा। इंसान अपने आप को कितना भी नास्तिक माने, उसके दिल में आशा का हल्का सा अंश होता ही होता है। उसके हाथ मालिक के लिए नहीं जुड़ेंगे, लेकिन मालिक की तरह उसका कल्याण करने वाले किसी दूसरे इंसान के लिए जुड़ सकते हैं। इंसान आशा करता है कि उसका भला हो जाए, लेकिन भला सिर्फ मालिक ही करता है। सबका मालिक।